your learners of English greeting. This is Amr Rahman and I welcome you to RSE classes of English language. Today in this short session, our topic is English improvement. English improvement किस sense में? आज हम general day to day कुछ ऐसी expressions बताएंगे जो सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनके meanings और उनके जो usage होते हैं वह बहुत ही वाइड रेंज होते हैं. एक ही जैसा सुनने में लगने वाला वर्ड इंग्लिश में कितनी तरह से डिफरेंट वेज में यूज होता है, नाउ टुडे यू विल कम टू नो. हमने आज वर्ड चुना है खोलना. खोलना कितनी तरह से आप यूज कर सकते हैं, उनमें से कुछ टाइप्स हमने यहाँ पर लिए हैं और उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं. इस तरह के वर्ड्स और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए स्पोकन से लेकर के ग्रामर तक और लिटरेचर तक, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को एंड प्लीज शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को. दरवाजा खोलो. आज हम जो जनरल वर्ड है ओपन, इस ओपन को यूज करने में अलर्ट हो जाएंगे कि हर जगह ओपन यूज नहीं होता है. कुछ ऐसी जगह जहां पर इस ओपन को हम एक नए फॉर्म में यूज करते हैं, अब हम जानने वाले हैं कि वह कौन कौन सी है. दरवाजा खोलो. अगर दरवाजा खोलने से हमारा पर्पस दोनों दरवाजे के दोनों पार्ट खोलने से है तो वो ओपन होगा, लेकिन अगर दरवाजा आपने ताला लगाया हुआ है और आप कह रहे हैं कि पहले दरवाजा खोलो, इन अदर वर्ड्स आप कहते हैं ताला खोलो, तो आप कहते हैं अनलॉक द डोर, ये आप कहेंगे कि अनलॉक द गेट या जो भी आप बोले तो अनलॉक कहेंगे. अनलॉक द कबर्ड, अनलॉक द विंडो, जहां पर आपने उसको लॉक किया हुआ है. ओके, तो अब आप ओपन द डोर से अलग जानेंगे कि अनलॉक भी कहा जा सकता है. इससे अलग है राज मत खोलना या राज खोलो. तो इसको आप क्या कहते हैं, इस तरह के खोलने को आप कहते हैं डिस्क्लोज. दिस क्लोज, अगर हम यहां से मत हटा दें और कहें राज खोलो, तो यहां पर राज खोलने के लिए आप कहेंगे क्या, डिस्क्लोज द मैटर. और अगर हम मना करेंगे कि राज मत खोलो तो आप कहेंगे डू नॉट डिस्क्लोज द मैटर. तो इसको आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है. मेन थिंग इज खोलने के लिए हम डिस्क्लोज बोलेंगे, यहाँ पर ताला खोलने के सेंस में गेट खोलने को हम अनलॉक बोलेंगे, छाता खोलो. अगर आप ओपन द अम्ब्रेला कहते हैं तो ओपन का मतलब तो ये हुआ कि आप उसको अनस्क्रू कर रहे हैं, उसके सारे पेज और सारी तीलियां आपने खोल डाली हैं, लेकिन यहाँ पर छाता खोलने से मतलब है कि आपको एक शेल्टर, एक शेड मिल जाए और आप जो रेनिंग है उससे प्रोटेक्शन में आ जाए, तो आप क्या कहेंगे अनफोल्ड Unfold the umbrella. Unfold the umbrella. बोतल खोलो. बोतल के अंदर जो डार्ट लगी होती है उससे हम अपनी वर्ब बनाने वाले हैं और हम कहेंगे uncork the bottle. Uncork the bottle. किसी भी तरह की बॉटल जब आप खोलते हैं तो आप अनकॉर्क वर्ड का यूज करते हैं वर्ब की जगह पर. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया है, जो कि खोलना की जगह अलग अलग जब बात करने का सेंस होता है तो डिफरेंट वेज में हम यूज करते हैं. यहां पर आया क्या, पर्दाफाश करना. तो पर्दाफाश करने को आप क्या कहेंगे, आइए देखते हैं. पर्दाफाश करना रिवील द सीक्रेट. रिवील द सीक्रेट, रिवील मीन्स उजागर करना, सामने लाना, ब्रिंग टू लाइट करना भी पर्दाफाश करने का सेंस हो सकता है. तो यहाँ पर ब्रिंग टू लाइट या रिवील कोई भी एक एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. हम कहते हैं कि भाई जरा गाना खोलो, गाना लगाओ, तो यहाँ लगाने की इंग्लिश और खोलने की इंग्लिश ओपन नहीं होगी, आप कहेंगे प्ले द सॉन्ग. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं आपको अप्रोप्रिएट सेंस देने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. एंड आई थिंक कि इस तरह के जो ये शॉर्ट वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं. इनके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. पंखा खोलो.
अब यहाँ पर जो पंखा खोलना है, पंखा खोलने का मतलब होता है उसको चलाना। अगर हम कहें पंखा चलाओ तो चलाने की ना तो रन है ना ऑपरेट है। अब चलाने के भी ऐसे बहुत सारे मीनिंग होंगे जो कि हम आपको अपने अगले शॉर्ट सेशन में बताएंगे। तो यहाँ पंखा खोलने को आप कहेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। इन द सेम वे साइट खोलो, मान लीजिए कोई साइट है जिसे आपको रन करना है तो आप किस तरह से कहेंगे कि इस पर्टिकुलर साइट को खोलिए, ठीक है, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आप कहेंगे लॉग इन द साइट। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कुत्ते खोलो। मान लीजिए आपके पास जो है बहुत ही फेरोशियस, बहुत ही डेंजरस डॉग्स हैं, तो आपने उनको खोलना है। तो खोलने का मतलब है कि उनके गले में पट्टे हैं, उनमें जो है चेन पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे अनलीश द डॉग्स, अनलीश द डॉग्स। इसी तरह से जब हम कहते हैं कुंडी खोलो, तो कुंडी खोलने की जगह, यानी जब हमने एक सिटकनी टाइप की चीज लगा रखी होती है, जब सिटकनी खुलेगी तो डोर और जो भी उसके पार्ट है वो तो खुली जाएंगे, तो सिटकनी के सेंस में हम कहते हैं अनलैच द डोर द विंडो। जो भी आपने लिखना है आप कह सकते हैं। हमारा मेन वर्ड है अनलैच, यहां पर अनलीश, यहां पर लॉगिन, यहां पर स्विच और यहां पर प्ले है। इसी तरह से पोटली खोलो, पोटली किसी कपड़े में आपने कोई चीज बांधी हुई है तो आप कहेंगे अनटाई द बंडल। तो ये आपके एक्सप्रेशंस रहे खोलने से रिलेटेड। आई होप कि एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरह से और दूसरे वर्ड्स जिनकी एक्सप्रेशंस बहुत सारी फील्ड्स में अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप एकेडमिक्स की ग्रामर से लेकर सीनियर लेवल के एनसीईआरटी लिटरेचर से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल के इंग्लिश ग्रामर तक, राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन तक, सभी इंग्लिश से रिलेटेड ये पोर्शन आप हमारे साथ कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।